इस संसार के अंदर जब साधना शुरू करते हैं, कुछ लोग सिद्धियों की साधना करते हैं, तंत्र की साधना करते हैं, मंत्रों की सिद्धियां करते हैं, कभी नदी किनारे बैठ करके, कभी शमशान भूमि के अंदर, कभी कहीं बैठ करके, कभी रात को, बहुत प्रकार की सिद्धियां होती हैं। कभी शेर की खाल के ऊपर बैठ करके, कभी हिरण की खाल के ऊपर बैठ करके, अलग अलग आसनों के ऊपर अलग अलग सिद्धियां की जाती हैं। तांत्रिक लोग इन सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जितना भी प्रयोग करते हैं वो लगभग नुकसानदायक ही होता है। ये सिद्धियां प्राप्त तो हो जाती हैं, लेकिन ये लोग पैसे कमाने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इनका प्रयोग करते रहते हैं, इनको बेचते रहते हैं। कोई कितने ही पैसे लेता है। पीछे मेरे सामने एक मामला आया, एक लड़का आया मेरे पास, उन्होंने कहा, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आजकल अच्छा नाम चल रहा है उनका, कि उन्होंने मेरे को बोला कि 2 लाख रुपए दे दो कि मैं आपको ये सिद्धि करवा दूंगा और सिद्धि आपको दे दी जाएगी। मैंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, न उसके पास कोई सिद्धि है, न वो आपको करा पाएगा। उन्होंने कहा, चलो जी देखते हैं। वो लड़का बिहार का था, बहुत घूमता था वो खोज में। उन्होंने कहा कि सिद्धियां लेके ही आऊंगा अब की बार। मैंने कहा मैं यहीं मिलूंगा और मिलते हैं हम। वो आया करीब मेरे पास 2 साल के बाद। मैंने कहा, अरे सिद्ध सिद्धियां कहाँ हैं, करो एकाध प्रयोग, यहाँ बहुत लोग परेशान हैं, हमें भी दिखाओ कुछ से लेकर के क्या आए हो। रोने लगा वो बेचारा। उन्होंने कहा उन्होंने मुझे लूट लिया, 2 लाख रुपए ले लिए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मैंने कहा अब क्या कर रहा है, कि जी अब मैं राधा कुंड के ऊपर रुका हुआ, उपवास चल रहा 28 दिन का। मैंने कहा वहाँ क्या नया टोटका शुरू किया। उन्होंने कहा एक मंत्र जप कर रहा हूँ कि कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं। मैंने कहा बेटा ऐसे ही उम्र गुजर जाएगी। ये तमोगुणी सिद्धियाँ हैं जिनके पीछे आप लोग दौड़ रहे हैं, संसार दौड़ रहा है। कुछ सिद्धियाँ होती हैं जो साधना के मार्ग में रुकावट पैदा करती हैं, जिनका हनुमान चालीसा के अंदर भी जिक्र आता है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, वो साधना में रुकावट पैदा करती हैं। अणिमा, लगीमा, गरिमा, ईश्वराप्य, तो इस प्रकार की ये रिद्धि सिद्धियां होती हैं और निधियां ये चलती रहती हैं और ये साधना में रुकावट बन करके खड़ी हो जाती हैं। आप सोचोगे कि रुकावट क्यों बनेंगी, कोई आकर के आपको लालच देगी, कोई धन का, कोई स्त्री का, कोई किसी चीज का, जिससे आपको के मन को प्रभावित किया जा सके, साधना को रोका जा सके, साधना को प्रभावित किया जा सके, आगे न बढ़ने दिया जाए, वहीं रोक दिया जाए, परमात्मा की प्राप्ति न करने दी जाए। लेकिन जो असली सिद्धि है, जो असली साधना है, वो अपने आप को साधना है, अपनी आत्मा को साधना है, अपने मन का शोधन करना है, अपने बेहतर जो नाड़ी तंत्र है उनका शोधन करना है, तभी आप उस आत्म तत्व तक पहुंच पाओगे। ये सांसारिक जो सिद्धियां हैं ये बस रुकावटें ही पैदा करेंगी, परेशानियां ही पैदा करेंगी,
ये आपको वहां नहीं ले जा सकती जहां आपका कल्याण हो सकता है, जहां आप पहुंच सकते हो, जहां आपको जाना चाहिए, जो आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आपको मानो चोला प्राप्त हुआ है, वहां ये नहीं ले जा सकती। वहां जो सिद्धियां ले जाएंगी वो ये नहीं है, वो नाम है परमात्मा का, वो नाम की ताकत है, वो गुरु के द्वारा प्रदान की जाएगी। ये तो बाहर खड़ी रहती है गुरु के द्वार से कि एक बार मौका मिले हमें सेवा का, हम अंदर घुसे, लेकिन गुरु इनको फटकारते रहते हैं, भगाते रहते हैं। तो आप इन सिद्धियों की तरफ ध्यान न दे करके अपनी आत्मा की तरफ ध्यान दें और इस अपनी आत्मा को के बल को मजबूत करें और सुमरण बढ़ाने का जितना भी हो सकता है उतनी कोशिश आप करें।